जम्मू कश्मीर प्रशासन ने जैसे ही अमरनाथ यात्रियों से घाटी छोड़ने के लिए एडवाइजरी जारी की, खलबली मच गई। श्रद्धालु भारी मन से हजार सवाल लिए वापस लौटने की तैयारी करने लगे। अमरनाथ यात्रा के लिए ही आए थे, लेकिन श्रद्धा हमारी जो अभी हम निराश हो गए, मतलब क्या है कि आए इसीलिए थे, अमरनाथ जाने के लिए आए थे, लेकिन अब यहाँ इन्होंने मना कर दिया तो अब जाएं कहाँ। पहले 2 तारीख का दिया था पंजीयन बना के, उसके बाद बोला इन्होंने कि 4 तारीख को आपको छोड़ेंगे, फिर आज वापस उन्होंने बोला कि अभी कोई डिसीजन नहीं हुआ है और यात्रा रद्द की गई है। सरकारी एडवाइजरी की बात कश्मीर घाटी में जंगल की आग की तरह फैली। श्रीनगर में पेट्रोल पंपों के बाहर लंबी लंबी कतारें लग गई। लोग हाथों में कैन और बोतल लेकर पेट्रोल डीजल लेने के लिए लाइन में लग गए, इस डर के मारे कि पता नहीं कश्मीर में क्या होने वाला है। बहुत पैनिक है, अब तो खुद देख रहे हैं, देखे पेट्रोल पंप पे कितनी भीड़ है। और जो परसों गवर्नर साहब ने बताया था कि कोई पैनिक होने की जरूरत नहीं है, ये तो रूटीन होता है, ये पुलिस रूटीन होता है, मगर आप खुद देख रहे हैं ये लोगों को क्या हुआ, अफरा तफरी हो गई। सब जगह पे भीड़ लगी हुई, आप देख सकते हो पेट्रोल पंप में भी बहुत सारा गिरदी हो गया है, तो सब जगह पे सब पब्लिक को समझ में नहीं आ रहा करना क्या है, सब जगह बहुत सारी भीड़ आ गई है। यहाँ तक कि लोगों की भीड़ कंट्रोल करने के लिए पुलिस वालों को उतरना पड़ा। दुकानों के बाहर भी खाने पीने का जरूरी सामान खरीदने के लिए भीड़ लग गई। खबर है कि लोगों ने एटीएम से नोट निकालने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी। घाटी में भागम भाग मच गई। अफवाह यहाँ तक उड़ी कि घाटी में स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है। ऐसे में श्रीनगर के डिविजनल कमिश्नर को मीडिया के सामने आकर कहना पड़ा स्कूल खुले हैं। कुछ रूमर्स यहाँ पे चल रही थी कि जैसे कोई स्कूल्स को बंद किया गया है, तो मैं यहाँ पे लोगों को बताना चाहता हूँ कि ऐसा कोई ऑर्डर नहीं और कोई स्कूल बंद नहीं किया गया है। सबसे मेरी दरख्वास्त यह है कि ऐसी अफवाहों पे कोई ध्यान ना दे, और अगर कोई क्लेरिफिकेशन लेनी हो तो वो कंसर्न डिप्टी कमिश्नर से लें या मुझसे पूछें। पूरी कश्मीर घाटी में खलबली है। लोग सुरक्षा बलों की बढ़ती तैनाती को देखकर सहमे हुए हैं कि पता नहीं क्या होगा, इसलिए सब अपने अपने हिसाब से जुटे हैं तैयारियों में कश्मीर की बदली फिजा से निपटने के लिए।